राहुल गांधी भारत में कांग्रेस के शहजादे माने जाने वाले राहुल गांधी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एक बार फिर से कांग्रेस के चेहरे बनने वाले हैं। राहुल गांधी ने रिसेंटली दो बड़ी यात्रा की है जिसके वजह से उनकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी सुधरी है। मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट रहे राहुल गांधी जी पिछले 20 सालों से भारत के पॉलिटिकल स्पीयर के एक महत्वपूर्ण पार्ट रहे हैं। 10 साल पहले कांग्रेस की करारी हार के बाद लोकसभा में हमें समय समय पर राहुल गांधी बड़े बड़े मुद्दे उठाते हुए दिखते हैं, लेकिन किसी दिन अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो राहुल गांधी की छवि सिर्फ और सिर्फ एक मीम मटेरियल की बन के रह गई है। लेकिन क्यों राहुल गांधी के आने के बाद से धीरे धीरे भारत में कांग्रेस की पकड़ ढीली होते जा रही है, और आने वाले समय में यह भी एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा कि क्या राहुल गांधी भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ऐसी मशीन लगाऊंगा इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता है, और एज अ वोटर आपको ऑपोजिशन के लीडर के बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एक केस स्टडी की तरह लीजिए और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 19 जून 1970 देश की राजधानी दिल्ली में भारत के सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल घर में राहुल गांधी जी का जन्म होता है। उन्हें बचपन से पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उनके घर वाले इतने ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व थे कि बचपन से ही उनके घर में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें चला करती थी। उनकी पढ़ाई की शुरुआत दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में हुई थी और फिर वो आगे जाके 81 से 83 तक देहरादून के दून स्कूल में भी पढ़े थे। अब देयर इज नो डाउट दैट ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। वो नेहरू जी के खानदान से थे, उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी थी, उनकी माता सोनिया गांधी जी थी और उनके पिता राजीव गांधी जी थे। मतलब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पॉलिटिशियंस के खानदान से राहुल गांधी जी हैं। घर पे हर रोज बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आया जाया करते थे, लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद उनका बचपन बहुत ही कठिन था। वो 14 साल के थे और ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी टीचर उनके पास आती है और बोलती है कि आपको प्रिंसिपल साहिबा बुला रही है। वो जैसे ही प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल उन्हें एक फोन देती है जिस फोन में उनके एक काम करने वाली उनसे बात करती है। राहुल गांधी को इसी समय न्यूज दिया जाता है कि इंदिरा गांधी जी को मार दिया गया है। इस न्यूज को सुनकर राहुल गांधी जी के पैर कांपने लगते हैं। बहुत ही नाजुक समय होता है ये राहुल गांधी जी के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। स्कूलिंग खत्म करने के बाद वो दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एक साल पढ़ते हैं और उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाते हैं, लेकिन फिर वो धीरे से यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। और एक बार फिर से एक ऐसा दिन आता है, दिन था 21 मई 1991। उनके पास फिर से एक फ़ोन आता है, उनको फिर से बुलाया जाता है और वो जैसे ही फ़ोन अटेंड करते हैं उनको पता रहता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। फ़ोन में बताया जाता है कि भारत में राजीव गांधी जी को भी मार दिया गया है। एक बार फिर से राहुल गांधी शॉक में चले जाते हैं। देखिए, ये सब देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बचपन से ही बहुत ही मजबूत बन चुके थे राहुल गांधी जी। धीरे धीरे ये सारे ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके वो अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और वहाँ पे कॉरपोरेट में जॉब करने लगते हैं। लेकिन उन्हें बचपन से पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था ही, तो 2004 में उनकी भारत के पॉलिटिकल स्पीयर में एक धमाकेदार एंट्री होती है। वो मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बात बताए हैं कि उनकी दादी जी की हत्या और उनके पिताजी की हत्या दो बड़े रीजन थे जिसके वजह से वो पॉलिटिक्स में एंट्री लिए थे। अब पॉलिटिक्स में आने के बाद वो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। यूजुअली हम ऐसे वीडियोस में बड़े बड़े उपलब्धि बताते हैं जो पॉलिटिकल स्पीयर में नेता पाए रहते हैं, लेकिन शुरुआत में राहुल गांधी कांग्रेस में इतना ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए थे। आगे जाके उन्हें कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट और NSUI का प्रेसिडेंट भी बना दिया जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं 2014 के इलेक्शन के बारे में। इसके ठीक पहले ही उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था कांग्रेस का, मतलब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी। 2009 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने 125 रैलीज की थी जिसमें उन्होंने धमाकेदार स्पीचेस दिए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने भी हेल्प किया था कांग्रेस को जीतने में, लेकिन 2014 का इलेक्शन
के लिए एक बहुत ही बड़ा टेस्ट था, जिस टेस्ट में वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गए थे। देखिए 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 44 सीटें जीती थी, जो कि रिकॉर्ड लो है कांग्रेस के लिए अभी तक। देखिए इसके बाद मैं मानता हूं कहीं ना कहीं राहुल गांधी का एक मेजर डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। राहुल गांधी स्पीचेस तो बड़े अच्छे दिया करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्लिप अप हो जाया करते थे, और इन स्लिप अप्स को बेसिकली न्यूज चैनल्स नहीं पकड़ती थी पहले। लेकिन 2016 में जियो लॉन्च हो चुका था भारत में, अब हर एक बच्चे के पास स्मार्टफोन था और भारत में मीम कल्चर भी डेवलप होने लगा था, और जहां जहां पर राहुल गांधी अपने स्पीचेस में स्लिप अप हो जाया करते थे, ये जो लड़के थे मीम कल्चर वाले उनका एक मीम बना दिया करते थे। यहां पे मैं पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी की पीआर टीम को भी देना चाहूंगा, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को वो मिस नहीं करते थे और राहुल गांधी के ऊपर सीधा वॉर करते थे। देखिए राहुल गांधी जी को जो लोग आज के दिन पप्पू बोलते हैं, उसके मार्केटिंग के पीछे सबसे बड़ा नाम खुद मोदी जी हैं। वो लोकसभा में कई बार राहुल गांधी जी को पप्पू बोल चुके हैं। ऐसी सेम लेवल की मार्केटिंग हमें कांग्रेस की तरफ से देखने को ही नहीं मिली थी। यहाँ पे बताने वाली एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक अच्छे नेता की खासियत ही ये होती है कि एक मास की जो सोच रहती है वो उसे एक सेंटेंस में अच्छे से पिरो सके और उसे कॉन्फिडेंटली बता सके लोगों को, और इस सेक्टर में राहुल गांधी कहीं ना कहीं आज के दिन भी बहुत पीछे हैं। कहानी में आगे बढ़ते हैं, 2019 का इलेक्शन आता है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है इनको। इस समय मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि कांग्रेस के बाकी नेता कहां चले गए, कभी राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, कभी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, बाकी नेता क्या कर रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन ठीक है, कांग्रेस के लिए फिर से एक बहुत ही खतरनाक कैंपेन करते हैं राहुल गांधी, बहुत सारी रैलीज करते हैं लगातार मोदी जी के ऊपर, वो वॉर पे वॉर करते हैं। लेकिन ये जो स्लिप अप होने वाली आदत है, ये जो बचकाने बयान देने वाली आदत है, वो उन्हें कहीं ना कहीं डुबा ले जाती है। मोदी लहर में एक बार फिर से कांग्रेस डूबने लगती है। बहुत बार मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी की जो पीआर टीम है और जो राइटिंग टीम है वो शायद थोड़ी सी लुल है। देखिए राहुल गांधी 2019 के कैंपेन के समय बहुत सेंसिटिव मुद्दे को टच करते हुए हमें दिखे थे, जैसे कि राफेल डील के बारे में वो बार बार बात किया कर रहे थे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें फटकार लगाई थी, और फिर वो मजाक उड़ाना चाहते थे मोदी जी का, तो आगे जाकर वो मोदी जी को चौकीदार चोर है बोलने लगे थे, और इस चीज से भारत की जनता बहुत ही नाखुश हो गई थी। ये जो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी राहुल गांधी को, राहुल गांधी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाते हैं। 2019 में फिर से एक बार कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है, और इस बार कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला था। पिछले बार 44 सीट जीती थी, इस बार 52 सीट जीती कांग्रेस, तो ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा झटका लगता है राहुल गांधी को। आप में से बहुत सारे लोग अमेठी के बारे में जानते होंगे, कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी सालों से, यहां पे ऐसा कोई भी नहीं आ पाया है जो कांग्रेस को हरा पाया है। लेकिन 2019 के इलेक्शन में स्मृति ईरानी जी राहुल गांधी को यहां पे 55,000 वोटों से हरा देती है। ये एक ऐतिहासिक लॉस था राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए भी। इस लॉस के बाद राहुल गांधी को पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारत की जनता उनसे डिस्कनेक्ट होते जा रही है, और उनसे डिस्कनेक्ट हो रही है यानी कि कांग्रेस से डिस्कनेक्ट होते जा रही है। अगर एक पार्टी का चेहरा ही एक मीम बन जाता है तो धीरे धीरे वो पार्टी भी मीम बनने लगती है एक डेमोक्रेसी में। देखिए डेमोक्रेसी की जो बात मैं अभी किया हूं, हमेशा रूलिंग पार्टी जितनी मजबूत होती है, एक डेमोक्रेसी में ओपोजिशन को भी उतना ही ज्यादा मजबूत होना चाहिए, कभी कभी उससे ज्यादा मजबूत हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि भारत जनता की जो आवाज बनती है वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन ही बनती है। और भारत देश में पिछले 10 सालों से हमें यही देखने को मिल रहा है कि भारत देश की ऑपोजिशन बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रही है। अब देश में राहुल गांधी को रिकनेक्ट करना था लोगों से, तो वो क्या करते हैं, वो देश के लोगों से रिकनेक्ट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान कर देते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2023 को शुरू होती है कन्याकुमारी से, और इसका एम था कश्मीर तक जाना, और ये जाती भी है 4000 किलोमीटर कवर करती है और ये कश्मीर में जाके एंड हो जाती है। इस रैली में लाखों करोड़ों लोग राहुल गांधी को समर्थन देते हुए दिखते हैं, चाहे वो ओपोजिशन के लीडर्स हों या फिर उनके अलायंस के लीडर हों, हर कोई राहुल गांधी की इस यात्रा में उनका साथ देता है। कांग्रेस से अगर आप पूछेंगे तो ये एक बहुत बड़ा पीआर सक्सेस था कांग्रेस के लिए, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूं। लेकिन इस यात्रा को मैं राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि भी मानता हूं। वो इतने खुश हो जाते हैं इस यात्रा से कि वो एक सेकंड यात्रा का ऐलान कर देते हैं। मणिपुर के सिचुएशन को देखते
देखते हुए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान करते हैं। ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जा रही थी, लेकिन लास्ट यात्रा को जितना मीडिया कवरेज मिला था, इस यात्रा को उतना मीडिया कवरेज नहीं मिल पा रहा था। थोड़ा थोड़ा बोरिंग हो जाता है अगर बार बार आप एक ही चीज दिखाते हो भारत की जनता को। इनके पहले यात्रा में बड़े बड़े स्टार्स भी इनका समर्थन किए थे, लेकिन इनकी दूसरी यात्रा को जगह जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। हुआ यह था कि इन्होंने राम मंदिर का इन्विटेशन रिजेक्ट कर दिया था, जिसके वजह से भारत की जनता खुश नहीं थी, तो जगह जगह पे इन्हें प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। यहाँ पे कांग्रेस के नेता आज के दिन बोलने की कोशिश क्या करते हैं, ये जो सेकंड रैली किए थे राहुल गांधी जी, ये जो इस रैली की टाइमिंग थी वो थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक तरफ आप देखते हैं बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बड़े बड़े नेता बड़े बड़े टीवी चैनल्स में जाके बड़ी बड़ी सोशल गैदरिंग्स को वो संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 2024 में वो क्या क्या करेंगे, और एक तरफ राहुल गांधी जी बेसिकली छुट्टी मनाते हुए दिखे। उनकी ये यात्रा सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है उसका हम लोग एक और वीडियो में एनालिसिस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती है भारत की जनता और राहुल गांधी से उतना रिलेट नहीं कर पाती है। कुछ इंटरव्यूज में मैंने ये बात सुनी है कि जिस समय राहुल गांधी जी सिल्वर स्पून से खाना खाया करते थे, उस समय मोदी जी ट्रेनों में जाकर चाय बेचा करते थे। तो हम्बल बिगनिंग्स जो रहती है उसको भारत की जनता थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है। और देखिए ये बात स्पष्ट है, राहुल गांधी कभी कभी बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से कुछ और निकल जाता है जो कि कहीं ना कहीं एक नेता की खासियत नहीं है, और ये चीज अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। कांग्रेस को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कांग्रेस आज भी बहुत बड़ी पार्टी है भारत में, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस की पकड़ पूरी की पूरी छूटती जा रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में जाते जा रहे हैं, और मैं बोलूंगा इन सब चीजों के पीछे राहुल गांधी भी एक बहुत बड़े रीजन है। आप सबको लग रहा होगा कांग्रेस में दिग्गज नेता नहीं है इसलिए राहुल गांधी हर जगह चेहरे बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में दिग्गज नेताओं की कमी ही नहीं है। उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए तब ना राहुल गांधी को हर बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इस इलेक्शन में देखने वाली बड़ी बात यह रहेगी कि क्या फिर से वही कांग्रेस के चेहरे बनते हैं या फिर कोई नया कांग्रेस का चेहरा बन के उभरता है। लेकिन वीडियो के एंड में मेरा सवाल यही रहेगा आप सबसे, क्या आप राहुल गांधी को कभी भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देख सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएं। इन सब चीजों के वजह से भारत में दो सेगमेंट बन चुके हैं, या तो आप मोदी लवर हैं या तो आप मोदी हेटर हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी को एक कॉन्शियस मन से बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबके सपोर्ट का आभारी हूँ। हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।